हे गाइस, सभी को राम राम दिल से। दोस्तों जस्ट अभी का सीन क्या है भाई, टाइम देख लो कितना हो गया, 11:26। जस्ट अभी अभी भाई अपलोडिंग पे मेरा चल रहा है व्लॉग। आते भाई अपना बैग, बैग में क्या है, फोन है, चार्जर है, ये क्या है, पट्टी, ओके। हमने जो चुहियाँ छोड़ी थी वो यहाँ पर छोड़ी थी भाई। गाँव के कोई एक आधा व्लॉग देख लेकर अनुका, तू तो भाई हमारे घर के पास ही छोड़ के आ रहा था चुहियाँ को भी। मौसम है सुहाना। ओ ये गई निकल के वैगनार UP 17-0664। ओ भाई धूप तो निकल भी नहीं रही, देखो दोस्तों धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, सूरज तो निकल ही नहीं रहा। ठीक है फिर गाइस, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, इग्नोर करना, क्योंकि हमारा जो रास्ता इधर का है ना, जो आगे आएगा बहुत ही खतरनाक रास्ता है। सबसे पहले भाई पेट्रोल पंप पड़ता है ना, तो इसमें भाई तेल भी नहीं है। ओ माय गॉड, ज़्यादा तो गिरवाऊंगा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये का तेल। तेरी भैंस की आंख, क्या हाल है, बोतल में दे दे, ये सिस्टम है भाई। सो देख लो गाइस, एक डंडा है बस पेट्रोल का, सिर्फ एक डंडा, और एक डंडा ना, एक डंडा दिल्ली से आना जाना और फिर दिल्ली चली जाएगी, सिस्टम है इस बाइक का। MT15 बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है ये, बहुत लोगों की, और देख लो मैंने हालत कैसी कर रखी है। मेरी भी ड्रीम थी ये, पर हालत देख लो कितनी गंदी हो रखी है, मैं ध्यान नहीं देता ध्यान। भाई मुझे जाना है दिल्ली, दिल्ली एक काम है, छोटा सा काम, क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। अपनी जो ब्लैनो गाड़ी है ना वो लेकर आनी है, आज मैं ब्लैनो गाड़ी लेने जा रहा हूँ फाइनली गाइस। कितने दिन बाद मुझे मेरी गाड़ी मिलेगी, ओहो हो वागू तो अपने होठों से चूम लूंगा, क्योंकि यार वो गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको मैंने बहुत बार ठोका है, ठोकने के बाद उसने मेरी जान बचाई है, इस माय लक की गाड़ी। और दोस्तों ये चेक करो, एल्टो, लोड एल्टो, भाई ये लोड एल्टो की बात अलग है। अब आप लोग क्या हो गए, तुम्हारी एल्टो कहाँ गई, भाई मेरी एल्टो भी चली गई। जी हाँ मेरी एल्टो मुझसे दूर चली गई, दूर तो नहीं गई है, मेरे चाचा जी के लड़के ने ले लिए मेरे से, तो वो चला रहा है जस्ट अभी। किसी दिन वो आएगा ना तो आप लोगों को मिलवाता हूँ एल्टो, लोड एल्टो से इसका सीधा कर लूँ, कोई पीछे आ रहा देख तो लूँगा। हाँ ये वाला भी ठीक है, इसको साफ करानी है, पहले दिल्ली के काम करवा लेते हैं जितने भी काम है दिल्ली के। और हमें जाना है खेकड़ा की तरफ, यानी कि लोनी की तरफ, उल्टे हाथ पे लेंगे हम यहाँ बाईपास से। गाइस आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, शानदार बात, और ये बात तो आप लोगों को पता भी होगी। रुको पहले यहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी बड़ी मंदी चलानी चाहिए, पहले क्लियर कर देते हैं, सारा क्लियर कर देते हैं, जिगजैग सा हो रहा ना ये सपने ट्रक प्रकार है, इनको सबको पीछे करते हैं, पहले ये वाली बाइक होएगी पीछे, लेट्स गो। एंड ओ भाई ठंड लग रही है, मुझे चाहिए खाली रोड सामने बिल्कुल, जब ही मजा आएगा। ओ भाई देखना ये क्या कर रहा है, बीच रास्ते पे रोक रखी है इसमें दल्ले ने, भाई दल्ले 98 100। तो मैंने बोला था मुझे रास्ता साफ करना है, पूरा रास्ता क्लियर है, अभी सामने कोई भी नहीं है, हवा थोड़ी तेज चल रही है, बाहर आवाज़ में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत सी हो रही होगी, बट भाई तुम कर लो भाई कंट्रोल, मतलब संभाल लो तुम लोग संभाल लोगे। तो हाँ मैं ये कहने वाला था दोस्तों, जब आप लोग कुछ तरक्की करते हो ना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ व्लॉग में, आज फिर बोल रहा हूँ, जब आप लोग कुछ तरक्की करते हो ना तो किलसने वाले लोग पता कितने होते हैं आसपास, बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि मेरे ही आसपास इतने सारे लोग हैं किलसने वाले, वो आप लोगों को पता भी नहीं लगता। पर यार मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो गाँव है बागपत गाँव टटीरी UP 17, मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं यहाँ के लोग, कुछ लोग यहाँ के ऐसे जो किलसते हैं। ओ माय गॉड क्या करें यार, दुनिया ही ऐसी है, जब दुनिया में कोई किलसने वाला नहीं होगा तो मज़ा कहाँ से आएगा, समझ रहे हो बात को। अरे यार ये फिर सब लोग आगे निकल गए, इन सबको मैंने पीछे करा था, अब ये फिर से आगे निकल गए, चलो कोई बात नहीं, इनका दिन है जाने दो, हम मंदी चलाएंगे हमेशा। भाई मैं 100 से नीचे चलाता हूँ, वो भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं यार कभी कभी जाती है 100 से ऊपर, कभी कभी जाती है, सच बताऊँ वरना ये 60-65 रहती है, बहुत मंदी चलाता हूँ बाइक में, बस 45 से 50 मिनट्स के आसपास आप दिल्ली, पास में ही है बागपत बॉर्डर है, एक यूपी और दिल्ली का एक मतलब बॉर्डर है, NCR में आता है वैसे तो, बागपत खेकड़ा NCR में आता है। आने पर बाइक पे मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, सुबह दोपहर शाम, जय श्री राम।
तो दोस्तों ठीक है भाई, हेलमेट रखा मैंने, मामा मेरे सामने खड़े हैं। तो जस्ट अभी भाई मैं और मेरे मामा, मैंने गोप्रो भी उतार दिया, तो जस्ट मैं और मेरे मामा एमटी को लेकर जाएंगे काबला। अब फिर से जाएंगे भाई हम, अभी फिलहाल मामा चलाएंगे, हमें जाना है अपनी बलैनों के पास जहाँ हमने अपनी बलैनों दे रखी है गाड़ी ठीक होने के लिए। चलो चलते फिर, लेट्स गो तिमारपुर वजीराबाद। भाई एमटी में भाई पीछे बैठने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली सीट है ना बहुत थोड़ी सी ऊँची है और आगे की थोड़ी नीची है। तो हम भाई पहुंच गए थे तिमारपुर पर। हाँ, पहुंचने के बाद हमने क्या करा भाई, सबसे पहले हमें लगी भूख। मैंने यहाँ पर देखा मामा क्या कर रहे हो भाई, ये क्या फ़ोन में लग रहे हैं। तो भाई हमें भूख लगने लगी, मैंने सबको इग्नोर करके भाई हमने कुलचे लगवाए, छोले कुलचे। और दोस्तों मैं बता दूँ भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है जो कि मैं टोपा उतरा भी नहीं है, देख लो गाइस। छोले कुलचे कैसे थे? ठीक थे? चलो अच्छे थे। अब ये बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़ा खड़ा सोता है पर जूते पहन के सोवे? जूते नहीं उतरते उसके, जूते पहन के वो सोए रहता है हमेशा, उसके जूते नहीं उतरते। जूते? जूते पहन के सोवे वो जानवर है वो। जूते वाला जानवर कौन सा? जूते वाला जानवर कौन सा दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। इतने मामा सोच रहे, बता दो। पता नहीं यार गाइज, नहीं पता मामा को। हार गए, बहुत इजी है मामा। मैं बताऊंगा, उनसे पूछ के बताऊंगा। ओके, वो खड़ी मामा बताएंगे कहाँ खड़ी, कहाँ ओरी। जय श्री राम। गंदी पड़ी, धुआनी पड़ेगी, वैसे तो ठीक है, बढ़िया एकदम। ऐसा कौन सा जानवर है जो उनसे जूते पहनने जानवर? हाँ, अरे खड़े खड़े सोया वो है, खड़े खड़े को बैठ भी तो जावे जब भी सोए रहे वो, जूते पहन के रखे हमेशा। जूते? हाँ जी, जूते पहन के रखे और खड़े खड़े सोवे। घोड़ा तो नहीं है? खड़े खड़े ना बैठे बैठे भी सोवे। घोड़ा भी क्या, जूते तो घोड़े ही पहने। घोड़े ही फिर दोस्तों हम भाई घर पर आ गए थे, और भाई मैंने फिर घर पर थोड़ा सा व्लॉग शूट करा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भाई एक न्यू वीडियो आई है जो कि मैंने भाई अपनी मामी के साथ प्रैंक करा है, ठीक है। तो आप लोग देखना जाकर, ये मेरे मामा का छोटा वाला लड़का है जिसके साथ मैं मस्ती करता था। सुन लो भाई मैं क्या मस्ती करता था इसके साथ। हाय कर दे। नूर कैसे हो? बोल बोल तो, क्यों ना बोल, पिटेगा ना बोलने का तो, पिटेगा ना बोलना तो, बोल कैसे हो, बोल जल्दी, बोल कैसे हो, बोलते क्यों नहीं तू, बोल 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 कैसे हो। सुनो मामा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ बैठो। अब मैं अंदर जाऊँगा, कैमरा सेट करूँगा, अभी प्रैंक करना है कैडा सा। क्या करना मुझे? अपना फ़ोन मत दियो बस। मामी 10 बार फ़ोन मंगेगी ना तो देना मत, ठीक है। और मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। और मैं बुलाऊंगा जब आ जाइयो। ओके, फोन दिखाइयो अपना। क्यों दिखाओ तो सही, एक बार दिखाओ तो सही। अरे है नहीं क्या? अपना दिखाओ ना। मैं ना दिखा रहा। क्यों है? दिखा। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला प्रैंक देखना है तो भाई मेरे बड़े वाले चैनल पर मिलेगा, जाकर देखो अंकुश द व्लॉग। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पूरे भाई सारे के सारे प्रैंक का। भाई बहुत ज़्यादा मजा आया था इस प्रैंक में।